खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 4 गोदरपुरा में स्थित राजस्व भूमि खसरा 35/3 में सनावत के निवासी रविंद्र पिता कोमल दास इंगला द्वारा शासकीय जमीन को लेकर लेन देन कर रजिस्ट्री करवा ली। इस जमीन पर श्री राम भोजनालय के संचालक हरिकिशन पिता राधा किशन अग्रवाल अपने परम मित्र बाबूलाल चौहान को व्यापार हेतु जमीन दी गई थी, जिस पर वो लगभग 17 वर्षों से निवास कर रहे थे। इस बीच इंगला परिवार ने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, जिसकी शिकायत संजय चौहान ने संबंधित विभाग को की, जिस पर कार्यवाही के अभाव में भूमि विवादित होती जा रही थी। इंगला परिवार द्वारा वर्षों से निवास कर रहे बाबूलाल परिवार मोतीलाल चौहान को कई बार उक्त भूमि को रिक्त करने के लिए दबाव बनाया गया, किंतु दोनों के बीच वाद विवाद के चलते रविंद्र इंगला और उनके सहयोगी द्वारा परिवार और गुंडों के द्वारा बलपूर्वक संजय चौहान बाबूलाल चौहान जहां पर निवास कर रहे थे मारने की नीयत से आए, दुकान पर ताला लगाकर उनका सामान बाहर फेंक दिया। संजय चौहान अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागे और पुलिस 100 को सूचना दी। काफ़ी देर बाद मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने 3 लोगों के विरुद्ध धारा 151 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और इन धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। 4 मेन रोड गोदरपुरा ओंकारेश्वर का निवासी हूँ, मकान नंबर 1। यहाँ पर मैं पिछले लगभग 17 वर्षों से निवास कर रहा हूँ और एक रविंद्र पिता कोमलदास इंगला का नाम का व्यक्ति बार बार मुझे परेशान कर रहा, लगभग पिछले 1 वर्षों से मुझे परेशान कर रहा है। तो थाना मानदाता में मैंने 3 शिकायतें की हैं, एक पिछले वर्ष की थी, दो इस वर्ष की है। मैंने थाना प्रभारी को दी थी मैंने और कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि ये बार बार परिवार गुंडों को ला के मेरे परिवार को डराना, धमका, जान से मारने की धमकी देना, किस प्रकार का कृत्य है ये रविंद्र इंगला करता आया है। वो कल ऐसी घटना घटी है भाई साहब कि मेरे को जानकारी मिली कि ये फिर से गुंडों बदमाशों को लेके मेरी दुकान पे आने वाला है, तो मैंने दुकान के ताले लगा के बंद करके वो मैं सीधा थाने गया और थाने में मैंने थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार जी से निवेदन किया कि भाई साहब मैंने आपको 3 पूर्व में आवेदन दिए हैं और अगर आप गुंडों को लेके मेरी दुकान पे आ रहा है, बदमाशों को लेके मेरी जनहानि हो सकती है, ऐसा मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलेगा तो मैं तेरे को 151 में अंदर कर दूंगा, ऐसा डरा दिया मेरे को, डरा के मेरे को भगा दिया थाने से। और उसके 1 घंटे बाद ये मकान मालिक गुंडों को लेकर आया, जो कि नामशुदा गुंडे हैं उनको लेकर आया और हम दोनों पिताजी और मैं अपनी जान बचाकर भागे उन सब गुंडों को देख के। और इसने वहाँ ताला तोड़ा, अंदर जो सामान था वो सब सामान रोड पर फेंका। कुछ समय पहले, कुछ माह पहले, रविंद्र इंगला करके भोगाव के हैं एक व्यक्ति, उनने आवेदन दिया था कि साहब मैंने 10 साल पहले ये संजय चौहान नाम के व्यक्ति को अपनी दुकान किराए पर दी थी, उसका किराया, चिट्ठी, भाड़ा सब लिखा हुआ है, रजिस्ट्री मेरे पास है, अब मैं उसको खाली कराने जाता हूँ तो खाली नहीं करता। इस संबंध में उसको बताया गया कि आप न्यायालय जाइए, मैंने न्यायालय में उसका प्रकरण भी झगड़ा नहीं करे इस बाबत लगा दिया है और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है न्यायालय में। आज रात को मेरे को फ़ोन द्वारा सूचना दी गई कि मेरी संजय की दुकान का सामान रविंद्र इंगला ने फेंक दिया है। इस संबंध में पुलिस को भेजा मैंने और उस पर से जो सामान वामान हटा रहे थे उन लोगों को पकड़ करके थाने पर लाया गया और धारा 151 उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। और संजय को भी मेरे द्वारा फ़ोन पे बताया गया कि आप आके थाने पे रिपोर्ट करें, लेकिन वो अभी तक थाने पे रिपोर्ट करने नहीं आया। कितने बाहर से ऐसे लोग आए थे? 3 लोग मिले थे मौके पे और तीनों को उठा के बंद कर दिया। पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? अब इसमें हम 145 का इस्तकाजा, संजय का कहना है कि साहब ये रजिस्ट्री गलत है इसकी, तो रजिस्ट्री देखी मैंने, रजिस्ट्री तो इसमें अभी जो रजिस्ट्री है ओरिजिनल रजिस्ट्रियाँ हैं उसके पास। अब इस संबंध में वो न्यायालय जाए और न्यायालय से कार्रवाई करे, दोनों अपना अपना बता रहे हैं, इसके संबंध में 145 की कार्रवाई करके रिसीवर नियुक्त करवाएंगे।